नमस्कार दोस्तों, ये जो पीछे देख रहे हैं ना दो फोटो, मैं ही हूं। बहुत पुरानी फोटो है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कैसा दिखता था। ऐसे मैं आज भी कोई हीरो नहीं दिख रहा हूं, लेकिन इसको देखने से आपको पता चल जाएगा कि एकदम इधर टपोरी और इधर सड़क छाप गुंडा दिख रहा है इस वीडियो में। ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूं, ये वीडियो बनाने का मात्र और मात्र एक ही उद्देश्य है। गांव में कुछ आदमी है, लगभग 3-4 आदमी, उसको जलाने के पर्पस से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि उसका नींद हराम हो जाए, वो ठीक से सो नहीं सके। तो इस वीडियो के पीछे की जो कहानी है ये जान लीजिए। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये चश्मा जो हमने लगाया है, हमारी औकात कहाँ थी चश्मा लगाने की? क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, जो मेरे पारिवारिक हिस्ट्री रहा है, उससे आप जानते भी होंगे, कई सारी वीडियो आपने देखा है मैं कैसे यहां तक पहुंचा हूं और जो आज आप लोग का प्यार मिला है। तो ये जो चश्मा देख रहे हैं, बगल में मतलब एक मकान में होता है ना, और सारे लोग रहते हैं रेंट पे, तो किसी का रूम में गए तो उसका चश्मा हम लगा के वो फोटो खींच लेते। अपना तो चश्मा था नहीं मेरे पास। तो आज से ये लगभग 8 साल पहले का मतलब ये फोटो है। उस समय हम बुढ़वा लग रहे थे, जवान तो अब लग रहे हैं। उस समय देखिए, चश्मा हम किसी और का चश्मा लगा के फोटो खींच लिए हैं। शर्ट भी यहाँ पर आप पहने हुए देख रहे होंगे, 150 रुपया वाला शर्ट है, 150 से ज्यादा का नहीं। इस फोटो में आप देखिए, ये हाफ शर्ट है एगो, खेसारी लाल यादव का वीडियो देख देख के, मतलब हम खेसारी लाल यादव के फैन थे उस टाइम, तो हमने क्या किया था कि एगो शर्ट सिलवा लिया था उसी जैसा, खेसारी लाल यादव को एगो गाना में पहने हुए देखे थे। ये जो एगो घड़ी देख रहे हैं, शिक्षक दिवस में 4-5 गो विद्यार्थी मिलकर एगो घड़ी खरीद कर हमको दिया था। आप कहिएगा कि सब काहे बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि हमारा गांव में जो 4 गो आदमी है ना, ओरा बड़ा परेशानी है ये सब चीज लेके, कि कैसन था, ऐसे कैसे हो गया, साला कैसन था, इसका बाप भीख मंगा, इसका दादा भीख मंगा, दादा हल जोतता था, भैंसी चढ़ाता था, साला हम लोग खानदानी आदमी थे, ये सब मजदूर आदमी था, कैसे यहां पहुंच गया। ऊपर से जब से मुखिया बन गए, उस सब आदमी को और परेशानी है, इस वजह से वीडियो बना रहे। वैसे लोग बहुत परेशान है, ये परेशानी जो है इनका यही कारण था कि मैं कैसा था, कैसा बन गया। तो इनको अभी मैं बहुत सारा चीज दिखाऊंगा जो शायद इनको नहीं दिखता होगा। तो ये आप देख लिए सिस्टम, जो हमारे गांव में कुछ लोग, आप कोनो के मोबाइल में फोटो है भी सब, तो ओकरा शेयर करत रहता है, कहला शेयर करत रहता है, ताकि देखेगा तो उसका छवि बिगड़ जाएगा कि बाप रे कैसन था। रे पगला, हम तो ऐसने थे हम वह परिवार से आए हैं, लेकिन तू जो परिवार में था, तू जो करना चाहिए था तुमको, तू नहीं कर पाया। कहे कि तू स्कूलों में पढ़ने गया तो तू कहियो मास्टर के नहीं लगाया, मास्टर के गरिया के स्कूल से भागाया बाउंड्री तरफ के, जिसका नतीजा है कि तू चौक पर बैठ कर इतने करेगा। अब आगे देखो, ये फोटो है, तो ये फोटो आप देख लिए भाई। ये आपको अभी बताते हैं, ये जो पीछे हम आपको बताते, पड़ोसी का हम चश्मा लगा के आए, और ये जो पलंग है ना, ये पलंग भैया हमारा शादी हुआ था तब मिला था, और वो हम बेच दिए। बेच के मतलब हम जो वीडियो जब बनाना शुरू किए, तो मेरे पास फोन नहीं था, मेरे पास फोन था एगो बहुत मतलब पुराना 5 मेगापिक्सल कैमरा वाला फोन। तो उस समय ये पलंग बेचे और रेंट दिए, मतलब नीचा बिछावन नीचा करके हम पलक्की किट्टू के लेकर सोते थे, और उसी टाइम 4000 रुपया उसी में से बचा के ये फोन खरीदे थे। और पहले वाला जो फोन था वो एक हम विद्यार्थी को गिफ्ट कर दिया, अपने स्टूडेंट को। आ ये पहला फोन है मेरा 10 या 11 हजार में, तो 4000 लोन मतलब 4000 EMI दिए एक बार में, डाउन पेमेंट, और बाकी पैसा हम किस्त पर कर लिए। और ये फोन है बाबूरे, यही फोन, और इस फोन को आज तक हम रखे हैं अपने साथ, बहुत पुराना साथी। इसी फोन से हम वीडियो बनाकर तब 1 लाख हमारा सब्सक्राइबर हुआ था, और आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आने लगा था कि वाह टीचर बड़ा मस्त पढ़ाता है। 2018 की बात है, उस समय हमारी वीडियो सारी वायरल होने लगी थी, जब मैं रेलवे के लिए पढ़ा रहा था ग्रुप डी के और लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए, उस समय हमारी वीडियो वायरल हुई थी। दोस्त ये फोन मेरे पास आज भी है और मैं अपने घर में संभाल के इसे रखता हूं। तो उसके बाद से सारी चेंजिंग आई, जो लोगों का प्यार मिला, जब हम अच्छा पढ़ाने लगे। हाँ, कुछ वीडियो हमारा देख लो, अब तो हीरो जैसा लगते हैं। ये हमारी साली है, देखिए हीरोइन से कम नहीं लगती है, बताओ मतलब। अरे स्वयंवर कराया जाएगा, इसकी शादी होगी तो कितने लड़कों का लाइन लगेगा पता है, दिमागे टनक जाएगा। देखिए हमारी साली है, कई सारी वीडियो में भी हमारे गाने में, यहाँ पर देख लीजिए हमारी वाइफ है, तो 1.7 मिलियन व्यूज। कुछ लोग वीडियो बनाता भी है लेकिन
मर जाता है, उसको 500 600 व्यू नहीं होता है, लेकिन जो मेहनत करने वाला है, जो सच में बढ़िया क्रिएटर है, उसके वीडियो के व्यूज होते ही हैं। अच्छा, ये व्यूज हो जाना ही बड़ी बात नहीं है, ये भी सच्चाई बात है, व्यूज तो कैसनो चीज के हो जाता है, लेकिन अच्छा वीडियो पर इतना व्यू होना। देखो मेरी वाइफ के साथ है ये गाना है, मैं तेरे दिल का गाना था, मैं तेरे दिल का राजा बन गया, तू मेरे दिल की रानी, ये गाना पर इसको शेयर करते रहता है कहला, अरे बापरे गांव में। और एकरा सबके शेयर के कारण शेयर कहला करता है कि जब हम मुखिया बन रहे थे ना, तो उस समय हमार गाना वाला वीडियो सब तर सर्कुलेट कर रहा था, काहे कि एकरा लोग वोट ना देवे, वोट ना देवे, पगला है सब, बुर्वक है। बताइए, निरहुआ सांसद बन गया, रवि किशन फिल्म इंडस्ट्रीज में रहकर सांसद बन गया, ये सबको गधा सबको पता नहीं है। अब हमारा वीडियो शेयर किया, अब शेयर किया तो उसका फायदा हमको मिला, हमको फायदा ये मिला कि जो लोग नहीं जानते थे, जो महिलाएं नहीं जानती थी, जो महिलाएं मान लीजिए पढ़ी लिखी नहीं थी, वो सब वीडियो देख देख, अरे ये मुखिया जी खड़ा हो थी ना कि बेचारे लोग वोट दिए, और देखिए मुखिया बन गए। देखिए विरोधी सब गलती करता है तब आप जैसे आप बन जाते हैं, जैसे राहुल गांधी जी की गलती के वजह से देखते हैं मोदी जी बन जाते हैं प्रधानमंत्री। तो क्या होता है कि मतलब विपक्ष जब ज़्यादा मजबूत होता है तो सत्ता पार्टी को दिक्कत होने लगता है, लेकिन विपक्ष अगर थोड़ा कमजोर है तो सत्ता पार्टी को कम दिक्कत होता है। ये हमारा गाना वाला एक वीडियो, ये डांस वाला वीडियो है, आप जाकर यूट्यूब पर सर्च करिएगा, मिल जाएगा। तो इसमें क्या था, टिकटॉक के टाइम में ये वीडियो बनाया, ये सब हम बता रहे हैं, कहला बता रहे हैं, इसका रीजन है, हम बताए ना कि चार पांच गो आदमी है जरा जलाना है हमको। तो ये जो वीडियो बना रहे थे, ये कब बनाए थे, लॉकडाउन लगा था, अरे बाबू पहला लॉकडाउन, जिस समय लग रहा था कि मरेंगे कि बचेंगे, तो हम सोचे कि खूब बढ़िया से गाना उना गा लेते हैं, पता ना कहीं मरिए गए, फिर आप लोगों से भेंट हुआ कि नहीं हुआ, हम मरियो जाएंगे तब वीडियो पड़ल रहेगा तो आप लोग देखते रहिएगा। तो उस चलते उस समय हम ये वाला वीडियो बनाते थे, गाना तो अभी हो गाते हैं। तो ये वाला देखिए, एगो में इसमें हमने महिला महिला का एक्टिंग किया था कि महिला सब जो ऑटो से जाती है तो ऑटो वाला से कैसे भाड़ा देती है या कैसे उनके साथ बात विचार होता है, जो गांव की कुछ महिलाएं होती है, चाची भाभी ऐसी जो होती हैं, तो उनका क्या होता है रिएक्शन ऑटो वाले के साथ। जैसे ऑटो वाला कहेगा 15 रुपया दहो, तो वो कहेगी रे 15 रुपया कहिया से हो गए हो, आए तू सिखवाई छा हमारा, यहाँ से तो 8 गो भाड़ा रहे तो 15 गो हो गए। तो ई वाला वीडियो था, बहुत प्यार मिला, मिलियनों व्यूज इस वीडियो को गए। दोस्त आज मैं जो भी हूं, या आप लोग ने मुझे देखा है और वीडियो के माध्यम से ही सब कुछ मेरा बदला। आगे जब चलिएगा तो दिमागे खराब हो जाएगा, बताइए पगला जो परेशान है कैसे, एक बाप ऐसा था, एक दादा ऐसा था, कैसे ऐसे कैसे हो गया, किकरों से जले से थोड़े हो गए, मेहनत करके हुए। बताइए, ये हस्ती हमारे मित्र हैं खान सर, प्रणाम करता हूं मैं इनको। खान सर बताओ, उनकी गाड़ी, ये खान सर की गाड़ी है जिसमें मैं छतरी से सनरूफ खोल के बाहर निकला हुआ हूं। खान सर है, खान सर के बगल में मैं, ये लाइव बिहार पर हमारी बताइए न्यूज चली, दी ललन टॉप पर खबर चली थी, साधारण बात है, है? देखिए, जिस गांव में पहले कभी मीडिया नहीं पहुंचता था और उस गांव की खबर दी ललन टॉप पर चल रही हो, बिहार न्यूज पर चल रही हो, आज तक एबीपी न्यूज पर चल रही हो, उस गांव का खबर, पगला है, है? परेशान भेल है, ऐसी हो गया, एक दिन में हो गया, ऐसी हो गया है, कोशिश करने से हुआ है। देख लीजिए, जब मुखिया बने हैं, ये मेरी मैडम है, ये मैं हूं, जिला में बुलाकर सम्मानित किया गया और मुखिया संघ के उपाध्यक्ष बनाया गया, अब तो और परेशानी हो जाएगा। मतलब वैशाली जिला के मुखिया संघ का उपाध्यक्ष मुझे बनाया गया, ऐसी काहे बनाया गया। देखिए उसके बाद, देखिए इन लोगों ने, कुछ लोगों ने उसमें से हमें बदनाम करने की कोशिश किया, एक साथ आपने देखा होगा कितना मीडिया को मैंने हैंडल किया, कुछ अच्छे मीडिया वाले भी उस टाइम गांव में पहुंचे, उन्होंने सही चीजें दिखाई, और कुछ गड़बड़ आए थे जो मुझे बदनाम करने की साजिश रच के आए थे कि जब हमारा काम स्टार्ट नहीं हुआ था तब भी हमारे ऊपर थोपना शुरू कर दिए थे, हैं? तो उस समय बदनाम करने की कोशिश किया गया था, उस समय देखिए इतनी मीडिया गांव में पहुंची, बड़ी गर्व की बात है कि किसी गांव में जहां किसी के पहले मर जाने के खबर हो, मर जाए कोई तो भी एक मीडिया नहीं पहुंचता था, उस गांव में पूरा गांव मीडिया से भरा रहता था। बताइए, मैं उस मिट्टी को प्रणाम करूंगा, गर्व से कहूंगा कि मैं उस मिट्टी में पला बढ़ा हूं, शायद मुझे उस मिट्टी का कर्ज उतारने का यह मौका मिला है, सौभाग्य है मेरा। और इन विरोधियों को मैं बता देना चाहूंगा,
ये देखो, देख रहे हो, कोई मुखिया कह सकता है कि इंदिरा आवास में घुस कैसे खत्म होगा, और इसके पूरे तरीके मैंने फेसबुक पर बताया, मिलियनों व्यूज हैं, और यूट्यूब पर भी जाकर देखिए, फेसबुक पर तो मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं, और लोगों ने सराहना की है कि एकदम सच्चाई दिखाया मैंने समाज को कि कौन इसमें कितने संलिप्त है, कैसे संलिप्त है। और वो लोग जो हमसे परेशान है ना, और इतने बच्चों एक साथ, जब बच्चों के साथ स्टेज पर खड़ा होते हैं, तालियां बजाते मेरे लिए, और गर्व से मुझे लगता है कि मुझे ये जो प्यार दे रहे हैं ना, तो गर्व महसूस होता है। तुमको स्टेज पर खड़ा करा देंगे तो पैंट में पेशाब हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत समस्या है, थोड़ा सा टिकी नहीं पाओगे, चोरू चक्का नहीं टिकता है। अब ये देखिए, यहां पर देखिए, इन लोगों के वजह से, हालांकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, ये लोग वीडियो शेयर करते हैं तो जिसके वजह से ये सब ग्रीन ग्रीन हो रहा है। ग्रीन का मतलब देखिए, सब्सक्राइबर भी ग्रीन हो रहा है इस सेकेंड चैनल पर। ये देखिए, ये एक मतलब 28 दिन में, एक महीना यानी 28 दिन में 7.6 मिलियन व्यू, आई सब ग्रीन हो रहा है, माने अप हो गया ऐसे देखिए। और ये देखिए 1.7K डॉलर रेवेन्यू कमाई है बाबू, $1700 तो ई चैनल, जो हम चैनल ऐसी छोड़ ले हैं, ई चैनल पर इतना कमाई हो गया है, क्या जानते हैं तोरे 3-4 गो जो आदमी एक रेसा के चक्कर में, ये सब 17-18 से 80 रुपया से गुना करोगे तो 1,36,000 रुपया होता है उस चैनल पर, जे चैनल पर हम कहीं वीडियो ठीक से नहीं डालते, कभी कुछ मन हुआ तो कुछ वीडियो अच्छी जानकारी दे दिए, जो जानकारी जरूरी होता है लोगों को दे दिए, वहां पर 1,36,000 महीना की सैलरी हमको यूट्यूब देता है। रे पगला, इतना तो तू आय प्रमाण पत्र पूरे परिवार के बनाता होगा एक साल के, तो 1,20,000 उसे ज्यादा के नहीं बनाता है, है? 1,20,000 रुपया के आय प्रमाण पत्र तोहर बनता होगा, वो पूरा फैमिली के एक साल का महीना के होता है 1,36,000 रुपया। तो परेशान ना हो, हमको लगता है कि आज से नींद आना तुमको बंद हो जाएगा, खासकर ये जानकर आप ही 3-4 लोगों के लिए वीडियो बनाए हैं, ये गांव के जो 4 लोग कौन है से समझ में आ जाएगा, ये वीडियो देख लिया समझ में आ जाएगा, उसकी प्रतिक्रिया गांव में आना शुरू हो जाएगी, तो बाकी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो प्रतिक्रिया से समझ जाइएगा कि कौन है जो चाह रहा था कि किसान के बेटा किसाने रहे, मजदूर के बेटा मजदूरे रहे, एकर दादा मजदूरी करता था मजदूरी करे, एकर बाप मजदूरी करता था तई मजदूरी करे, इसकी माँ मजदूरी करती थी तई मजदूरी करे, ये वो लोग हैं। और ऐसे लोग से गांव के तमाम लोगों को हम कहते हैं कि अपने बच्चों को उससे थोड़ा सा हटा के रखिए, उनको दूसरा परिवेश में लाइए, वैसे परिवेश में लाइए जो ये टांग खींच खींच के अपने संघत में लाकर आपके बच्चों को बर्बाद ना करे, खराब ना करे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दीमक होते हैं समाज के, ये समाज को खोखला कर देते हैं। तो ऐसे लोग से अपने बाल बच्चों को थोड़ा बचा के रखना है, ताकि आपका बच्चा सही दिशा में जाए, और हाँ भले ही आप आज गरीब हैं, लेकिन आपका बच्चा सही शिक्षा प्राप्त करेगा, सही सोच प्राप्त करेगा, सही संस्कार प्राप्त करेगा, बहुत नाम कमाएगा, बहुत पैसा कमाएगा, और भगवान करे कि सबके जीवन में वो उपलब्धि आए जो मेरे जीवन में भगवान ने मुझे दिया है और लोगों ने जो प्यार दिया है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वो 2-4 लोग अगर ठीक से नहीं सो पाइएगा तब विकास जी के पेठिया पर दुकान है, दवाई दुकान, नींद के गोली ले लीजिएगा, रात में सूत जाइएगा, ठीक है, धन्यवाद। बाकी तो कभी कभी आप हाथ पसारिए देते हैं मेरे आगे, नींद के गोली के लिए भी हम खर्चा दे देंगे, मांग लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।